न्याय के गुहार लगाता किसान आत्महत्या को मजबूर। तहसील क्षेत्र के गांव नमेनी गद्दी का मामला, जहां चकबंदी पैमाइश को लेकर किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, मगर किसान को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। किसान सुरेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र अपनी जमीन को लेकर परेशान है, जहां दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर जबरन चक्रोड निकाल लिया है। किसान का कहना है कि मैं सभी अधिकारियों शासन प्रशासन के पास गुहार लगा चुका हूं, लेकिन कोई भी अधिकारी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता है तो मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने को मजबूर हूं। देखिए मुरादाबाद से सुशील कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमेनी गद्दी, क्या मामला है पूरे जमीन का? ये गाटा संख्या 26 का हमारा दसारी में रकबा है, 1.226 हेक्टेयर। बिना नक्शे के हमारे खेत में 2019 में कच्चा गन्ना कटवाकर तहसील कर्मचारी ग्राम प्रधान सतवीर सिंह और दबंगियों ने रास्ता निकाला। जब से हम पत्रिका लगा के रहे, DM साहब, उप जिलाधिकारी बिलारी, तहसील दिवस, DM साहब, 10/76 मुख्यमंत्री पोर्टल, थाना दिवस, हर जगह जाने के बाद में 2021 में हमारा निस्तारण हुआ। अनुवाद जन निस्तारण किया गया, अनुवाद उसने 5 मीटर उससे कम किया गया, जो कि उससे 3 मीटर हटाने में मजबूर हो चुका था कर्म तहसील कर्मचारी अनुवाद उसने। ठीक, पूरे 3 मीटर हटने के बाद में 10 या 12 मीटर लोगों ने हटाया। हटाने के बाद में 11 मई 2022 में अनुवाद उसने उसे खसाने पहुँचे। उसके बाद में फिर आए उप जिलाधिकारी राज बहादुर, इन्होंने 10 अक्टूबर को टीम भेजी। टीम भेजने के बाद में हमें कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। जाने के बाद में ये भी असमर्थ हुए। 9 जनवरी को इन लोगों ने हमारा कच्चा गन्ना कटवा कर रास्ता निकाल दिया। कभी उसे आगे बढ़ाते, कभी पीछे हटाते, जो कि सिवाने पैसे नाप होती थी, इन्होंने बीच में से नाप की। और हम 8 बीघा का जोता है, वो 50 बीघा का जोता है। 50 बीघा वाले को गरीब बताते हैं, 8 बीघा वाले को अमीर बताते हैं। इससे सिर्फ मरने से अलावा और कोई चारा नहीं है। इसकी जिम्मेदार सारा प्रशासन होगा। हर जगह DM साहब, मुख्यमंत्री पोर्टल, 10/76, कोई जगह नहीं छोड़ी है। डार्क स्पीड से भी हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं। हम ये चाहते हैं जो सरकारी नक्शे पर रास्ता है वहीं पर रास्ता बनना चाहिए, जो कि उसके साइड में ही रास्ता है, जो चकबंदी से रास्ता है उस रास्ते को तो फिर गलत बताती है और जो अपनी मनमर्जी सही बताती है। जो मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो आत्महत्या करने को मैं मजबूर हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार प्रशासन होगा।